हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नोटपैड कैसे चलाया जाता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसमें कि हम किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख के उसका फाइल बना के रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसे हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं हम। तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे। इसमें हमें विंडोज एसोसरीज ढूंढना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आप, देखिए यहाँ पे विंडोज एसोसरीज दिख रहा है आपको। इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे विंडोज के जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो आपको दिखने लगेंगे। ये आपका विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, सारे विंडोज में पहले से इंस्टॉल होता है, इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट है। तो हमें आज नोटपैड के बारे में जानना है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको इसको इतना लंबा प्रोसेस में नहीं ढूंढना है नोटपैड को, तो इसको शॉर्ट में भी बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए। अब आपको बता देते हैं दूसरा तरीका। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा विंडोज प्लस आर। यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया विंडोज प्लस आर। यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको कट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सा टाइप कर देंगे हम नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड हमने सब टाइप कर दिया। यहाँ पे उसके बाद एंटर कर देंगे अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे आपके सामने नोटपैड खुल के आ चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख के इसको सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए अपना, जो भी लिखना हो यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ से जो भी चेंजेस है कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको डिटेल में बताने के लिए ज्यादा लिखेंगे तो आपको अच्छे से ज्यादा टाइम लग जाएगा और अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको आप बैक स्पेस से कट कर देते हैं हम, और यहाँ पे जो भी है कहीं से हम इसको कॉपी करके किसी चीज को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम गूगल क्रोम में आ गए, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है इसको। उसके बाद हम नोटपैड में सिंपली जाके यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा इस तरह से, और इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अगर कोई भी फाइल हो, यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन्यू हो गया। इसमें छोटे छोटे टैब्स दिए हुए हैं, इनके अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं इसके वो सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे हम फाइल्स पे आ जाते हैं। फाइल पे आते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, नोटपैड का न्यू विंडो खुल के आ जाता है, नया नोटपैड खुल के आ जाता है। इस पे हम क्लिक करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे पहले वाले को पूछ रहा है सेव करना चाहते हैं या फिर डोंट सेव, तो इसको हम डोंट सेव कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नया खुल के आ चुका है, जो कि पहले का डाटा था उसको पूछ रहा था कि सेव करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे न्यू पे करते ही यहाँ पे आ गया है। फिर से हमने जो कॉपी किया था यहाँ से गूगल से, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं वही वाला। यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए हम, तो वो हमारे सामने आ चुका है। तो आप न्यू का मतलब समझ गए। फिर से फाइल पे चलिए, यहाँ पे न्यू विंडो पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो न्यू विंडो फिर से ओपन होकर चला आएगा। फ्रेंड्स, ये ओपन जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये वो ऑप्शन है जिससे कि अगर कोई आप नोटपैड का फाइल सेव करके रखे हैं अपने कंप्यूटर में, उसको आप सर्च करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करके जो भी नाम दिए हैं उस नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं अपने किसी भी चीज को, जिसके यहाँ पे हमने इतना सारा लिखा है। कंट्रोल प्लस यस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर सेव पे क्लिक करेंगे फाइल में जाके। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन मांगेगा। यहाँ पे पूछेगा फ्रेंड्स कहाँ पे सेव करना चाहते हैं अपने मेमोरी में आप, तो हमने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे .txt लिखा हुआ है, तो ये txt में ही सेव होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें कोई भी नाम देना हो, कंप्यूटर एग्जाम ही दे देते हैं हम। यहाँ पे इसको कंप्यूटर एग्जाम नाम से सेव कर दे रहे हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कई ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अब तो और भी फाइल्स में कुछ भी दे के, यहाँ पे .txt या फिर .html, अगर वेब पेज हमें बनाना हो .html में सेव कर लेंगे, तो हमें .txt में ही करना है, तो उस पर txt पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके सामने ये आ चुका है। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पे आपके सामने रख दे रहे हैं इसको स्क्रॉल करके। यहाँ पे है फाइल, फिर से यहाँ पे सेवेज है। अगर हम इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं जो हमने लिखा हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस करेंगे, यानी या फिर फाइल में जाके सेवेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इसी को हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, RRR जो भी लिखना है कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे सेव करेंगे तो ये RR नाम से वही फाइल दोबारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेव होकर आ चुका है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो सेम टू सेम वही फाइल है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसको फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे पहले वाले को देखते हैं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करके पेज सेट कर सकते हैं इसको प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दिया है हमने। यहाँ पे देखिए इसमें जो भी है पोर्ट्रेट मोड है, लैंडस्केप मोड है, इस पे क्लिक करके आप देखिए पोर्ट्रेट में ऐसे दिखेगा, सीधा आपको दिखेगा, लैंडस्केप में ऐसे दिखता है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे क्लिक करके हम देख लिए, यहाँ पे पोर्ट्रेट पे कर देते हैं, यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, A4 पे हम क्लिक कर सकते हैं। A4 हमारे इस समय में ज्यादा यूज होता है प्रिंट आउट के लिए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे फिर एडिट पे आ जाते हैं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे डिलीट है जिसको कि हमने बताया है, कोई भी चीज सेलेक्ट करके यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर दिया हमने इतना लाइन, उसके बाद से इसको एडिट पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कट का ऑप्शन आता है, कट कर देंगे तो ये वहां से कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कट करके दिखा देते हैं, ये यहाँ से हट जाएगा। फिर से हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, यहीं पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके, और एडिट का फिर से ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आके आगे देखते हैं, फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे एडिट पे आ जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का मतलब होता है एक फाइल को या फिर एक फोल्डर को या फिर किसी चीज को, एक टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं और वो दो जगह उसी तरह का हो सकता है। यहाँ पे कॉपी कर दिया हम इसको, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी प्रेस करेंगे तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दे रहे हैं कंट्रोल प्लस भी, तो यहाँ पे वो चीज वो लाइन हमारा देखिए ये वाला यहाँ पे भी आ चुका है। यहाँ पे फाइंड करना है हमें किसी चीज को, फ्रेंड्स इसमें कुछ लिखा हुआ है उसको फाइंड करना है, ज्यादा लंबा हमने लिख दिया अपने फाइल को तो यहाँ पे फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक कर लेंगे और जो भी इसमें हमें फाइंड करना है उसको हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए इसमें कुछ भी लिखा हो तो उसमें से हमें इज फाइंड करना है, इसमें इज कहाँ कहाँ है तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इज IS और इसके बाद से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने यहाँ पे इज है, इसको ढूंढ के निकाल दिया है। यहाँ पे फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे और भी सारे फाइंड नेक्स्ट जितनी बार प्रेस करेंगे वो जहाँ जहाँ इज होगा हमारा अपने आप जंप करता रहेगा और दिखा देगा इतने जगह पे, इसमें पूरे फाइल में हमारे पूरे टेक्स्ट में तीन जगह पे इज है। फाइंड नेक्स्ट करके हम इसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और यहाँ पे मान लीजिए एडिट पे फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के लिए F3 प्रेस कर सकते हैं, फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं किसी चीज को लिखे हैं हम, उसको हम किसी चीज में किसी दूसरे चीज से दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे आ जाएंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए फाइंड व्हाट, यहाँ पे हम कोई भी टाइप कर देते हैं किसी भी चीज को। यहाँ पे मान लीजिए इज को ही टाइप करना है हमें, इज को हमने टाइप कर दिया। यहाँ पे विथ रिप्लेस विथ यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें इज के जगह पे क्या क्या करना है हमें, तो हमें मान लीजिए इज की जगह पे इन करना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमने यहाँ पे इन लिख दिया। और फाइंड रिप्लेस ऑल करना है तो सब जगह पे जितने जगह पे हमारे फाइल में टेक्स्ट में इज लिखा होगा वहां पे इन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है और यहाँ पे थर्ड जगह पे इज लिखा हुआ है। यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी इन हो गया, यहाँ पे भी इन हो गया, यहाँ पे भी इन हो गया, तो ये सारा इस तरह से चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर सकते हैं और जिस भी लाइन में आप जंप करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इसमें है 5 लाइन्स है 1, 2, 3, 4, 5, उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, हमें मान लीजिए दूसरे लाइन में जाना है या फिर चौथे लाइन में जाना है तो यहाँ पे 4 टाइप कर देंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चौथे लाइन में आ चुके हैं, जो कि ये खाली है चौथा लाइन हमारा यहाँ पे खाली है। और उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं अपने पूरे टेक्स्ट को लिखे हुए, तो यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके देख लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो गया है। अब इसको कहीं भी प्रेस करके इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हमें एडिट पे फिर जाएंगे, यहाँ पे देखिए टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ भी टाइम एंड डेट लिखना है हमें यहाँ पे, वहाँ पे हम अपने कर्सर को ले जाके क्लिक कर देंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एंड के पास लिखना है तो हम यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम एंड डेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने टाइम आ चुका है, टाइम और डेट जो भी है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत फैला हुआ है और इसको हम अपने सामने करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कि इधर का हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है तो इसके लिए हमें इसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इसको अगर हमारे सामने सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए तो इसके लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड रैप है इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने आ चुका है और कुछ भी इधर साइड में नहीं है। और यहाँ पे फॉर्मेट में फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट जो भी है हमारा जो भी फॉन्ट लिखा हुआ है इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए जो भी फॉर्मेट होगा इस पे हम क्लिक कर सकते हैं, इंपैक्ट पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल जो होना चाहिए और यहाँ पे साइज है जिस साइज में भी हम इसको करना चाहते हैं इसका साइज बढ़ जाएगा, थोड़ा ये बड़ा होकर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें करना है 22 पे यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे ओके कर दिए तो देखिए आपके सामने ऐसे चेंजेज आ चुके हैं, इस तरह से चेंज होकर आ चुका है, इसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया है, इसका साइज भी चेंज हो चुका है। फिर से फॉर्मेट पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं तो इसको आप कट कर लीजिए और जिस तरह से आपको करना होगा कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे स्टेटस बार दिखा रहा है फ्रेंड्स पहले पे, यह स्टेटस बार है जिसमें लिखा हुआ है विंडोज CRLF UTF 8, यहाँ पे 100% वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। इसको अगर आप हटाना चाहते हैं अपने नोटपैड के फाइल से तो यहाँ पे आप इसको अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पे अनटिक करते ही ये हट चुका है, देखिए यहाँ पे हट चुका है। फिर से यहाँ पे व्यू पे जाएंगे हम, यहाँ पे जूम इन पे क्लिक करेंगे तो इसको अगर जूम इन पे क्लिक कर देंगे, जूम पे क्लिक करके तो ये जूम होके हमें दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा जूम होकर टेक्स्ट दिखने लगेगा। यहाँ पे हमने क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने ये जूम होकर और बड़ा होकर दिखने लगा। यहाँ पे व्यू पे फिर क्लिक करते हैं, जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने से ये फिर से जूम आउट हो जाता है, जिस तरह से था उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक करते हैं, देखिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया हम, यहाँ पे आपके सामने छोटा होकर दिखने लगा। यहाँ पे फिर व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जूम जूम में आते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, जितना आपको चाहिए जितना इस पेज को चाहिए उस तरह से इसको जूम करके ये रख लेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये जितना इसके लिए चाहिए, इसको जरूरत है, उस तरह से ये जूम करके सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अच्छे से इस वीडियो को आप समझ चुके हैं और जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी मेन्यूज हैं, इसको आप समझ चुके हैं, जो भी टैब्स हैं इसमें नोटपैड में, और इसको अच्छे से चलाना सीख गए हैं आप। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पे हम ट्रिपल सी का पूरा कोर्स करा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, आपके लिए वीडियोज बना के रखे हुए हैं और भी इस पे वर्क चल रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं हम। और आपको अगर कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमने उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सभी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी आपको मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।